मौका मिल गया लोगों को साजिश रचने का, साजिश रच दी। ये लड़ाई कानूनी लड़ाई है, एक पहलू में उसका कानूनी हिस्सा है जिसको कानून के तहत अदालत में लड़ा जाएगा। और अदालत की फिल्मी कहानी जो बनाई गई है प्योरली एक फिल्मी कहानी है जो टिक नहीं पाएगी। दूसरी अदालत जो सबसे बड़ी अदालत होती है वो जनता की अदालत है, आप की अदालत है। जेबा ने जिस तरीके से 5 साल हर गांव में जाकर, हर जगह जाकर अपने आप को काम करके दिखाया है, आप लोग उसका साथ देंगे। और 3 तारीख को कप और प्लेट पर बटन दबाकर उसको जिताएंगे। प्लेट की बटन दबाकर आप साबित कर दें कि जेबा रिजवान एक नई पीढ़ी की पढ़ी लिखी लड़की जो बॉम्बे में बहुत अच्छी जॉब कर रही थी, जो सिर्फ आप इसलिए यहाँ आई कि हम अपने जहाँ हम पैदा हुए हैं उस इलाके की हम कुछ कर सके। जेबा रिजवान मेरी बहू अब नहीं है, जब मेरी बेटी नहीं है, वो आपकी बहू है, आपकी बेटी है। कोई गांव ऐसा नहीं मिला मुझे जहां जेबा नहीं गई थी। आपके सुख में, दुख में, आपके खुशी में, आपके त्यौहार में, मंदिर में, मस्जिद में, हर जगह गई है, कोई उसके अंदर फर्क नहीं था। ये एक पढ़े लिखे नेता में और एक जाहिल नेता में ये फर्क होता। 3 मार्च को ईवीएम मशीन के 8वें नंबर पर कप प्लेट के निशान वाला बटन दबाकर बहन जेबा रिजवान को भारी मतों से विजयी बनाइए।